इधर उधर, कभी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, ठहरे कहां निगाहे नबुवत इधर उधर। एक ऐसी माँ है फातिमा लोगों की माँओं में, रहते थे जिसके सरवरे आका इधर उधर, रहते थे जिसके शाहे मदीना इधर उधर। हजरात आइए बिला ताखीर, हजरत अल्लामा आरिफ रजा जो गिलौली से तशरीफ लाए हैं, उनका खिताब समाज फरमाने के लिए तैयार हो जाएं। मिंबरे नूर पे आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हिंदुस्तान के काबिल से काबिल वस्ताद और काबिल से काबिल खुतबा। नई नई नातों नकवत सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इस्लामी जलसा को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की भी घंटी दबाएं ताकि हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। खुतबा तशरीफ फरमा है और खूबसूरत आवाज के मालिक शहंशाह तरन्नुम हजरत कारी इरशाद साहब को समाअत फरमाया। अभी हजरत कारी सनाउर रहमान साहब क़िबला अनवर सोनपुरी जिनकी आवाज में कोयल की कोक, बुलबुल की चहक, फूलों की महक, आबशारों का तरन्नुम, बहारों का बागपन नजर आएगा, इंशाअल्लाह उन्हें समाअत फरमाएंगे। आइए दोस्तों बिला ताखीर हजरत अल्लामा आरिफ रजा का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर और थोड़ा माहौल बनाइए, जो आप जिस तरह से रहा करते थे वाकई में वो जलवा आपको दिखाना है, अपने माहौल को बरकरार रखना है। एक मर्तबा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और दुनिया को बता दो कि हम कभी दामने शब्बीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। इसी नारे से है, इसी नारे से दुनिया में हमारा जीवन, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। पूरा मजमा बेदारी का सबूत दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आरिफ रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खालिके अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, खालिके अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, खालिके अर्ज़ो समा करता है चर्चा पे, रूहुल अमी पढ़ते है खुद तेरा, सिदरा पे रूहुल अमी पढ़ते है खुद तेरा, हुआ मोती आना कासिम का है सेहरा तेरा, या रसूल अल्लाह कि वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, देख लेते थे कभी सैयद आलम का जमाल, देख लेते थे कभी सैयद आलम का जमाल, भूल जाते थे हमेशा को उमैया का ख्याल, भूल जाते थे हमेशा को उमैया का ख्याल, और कहते होंगे मेरे आका से यही रो के बिलाल, कहते होंगे मेरे आका से यही रो के बिलाल, कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। मेरे मिल्लत के नौजवानों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस हदीसे मुबारका को पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में रहने वाला कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो जिस खित्ते में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे वो जिस गांव में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे वो भंगहा का रहने वाला इंसान हो, चाहे वो गौड़रा का रहने वाला इंसान हो, हिंदुस्तान के हर हर एक कोने का रहने वाला इंसान हो, लेकिन इंसान उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं होगा, कामिले मोमिन नहीं होगा, सच्चा पक्का मुसलमान नहीं होगा, सच्चा पक्का मोमिन नहीं होगा, जब तक कि दुनिया से ज्यादा मोहब्बत नबी पाक से करना ना शुरू कर दे। पता चला कि जो इंसान माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत करे वो इंसान कामिले मोमिन हो जाएगा, जो इंसान बाप से ज्यादा मोहब्बत करे वो इंसान बाप से, जो इंसान बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करे वो इंसान की मोमिन होने की दलील है, जो इंसान अपने अहलो आयाल से ज्यादा नबी पाक से मोहब्बत करना शुरू कर देगा वो कामले मोमिन हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि किसी शायर ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे। आपको बताऊं, आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अरे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आपने सुना होगा कि किस तरीके से सहाबाए कराम ने नबी पाक से मोहब्बत की थी, किस तरीके से सहाबाए कराम ने नबी पाक से लौ लगाया है। आज हमारा और आपका किरदार क्या है, आज हमारा और आपका माशरा क्या है, आज हमारा और आपका ज़हन क्या कह रहा है, आज हम कहाँ खोए हुए हैं, आज हम जो है गली में भटक रहे हैं, आज हम और आप बाजारों में भटक रहे हैं, आज हम और आप सलीमा में जो है मस्त है, आज हम और आप नाच गाने में मस्त है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाओ साहब, कुर्बान जाओ मेरे नबी के सहाबा पर, कुर्बान जाओ नबी के सहाबा पर। नबी पाक के सहाबा जो थे वो नाच गानों में नहीं मस्त थे, बल्कि नबी की मोहब्बत में मस्त थे। इसीलिए आज दुनिया उनकी तारीख को पढ़ रही है, आज हम और आप उनको याद कर रहे हैं, आज हम और आप उनकी जिंदगी को पढ़ रहे हैं, आज हम और आप उनके जो है नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आज हम और आप उनके बताए हुए रास्ते को अपना रहे हैं। सहाबाए कराम जिनका नाम हजरत उमर फारूक आजम है, वो उमर है जिनका डर, जिनका रो दबदबा और जिनकी हुकूमत, जहां पर आप हुकूमत करते थे आपका वो मकाम था, आपका वो रुतबा था कि हजरत उमर फारूक आजम इस्लाम को कबूल कर लेते हैं,
मैंने हदीस पढ़ी, हदीस का मतलब समझाना चाहता हूँ, हदीस का मतलब बताना चाहता हूँ कि आखिर मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया कि जो इंसान कामिले मोमिन बनना चाहता है, जो इंसान सच्चा पक्का मोमिन बनना चाहता है, वो दुनिया की सारी फुरेपात को छोड़कर, दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर नबी पाक से मोहब्बत करना शुरू कर देगा, वो इंसान कामिले मोमिन बन जाए, वो इंसान कामिले मोमिन बन जाएगा। आज हम और आप नमाज को भूले बैठे हैं, हमारे और आपके पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे और आपके पास कोई जो है नेक काम करने का टाइम नहीं है, हमारे और आपके पास रोजा रखने का वक्त नहीं है, हमारे और आपके पास दीनी खिदमत को अंजाम देने के लिए कोई टाइम नहीं बचा है। दुनिया की खुराफात हमारे सर से लेकर हमारे पैर तक है, लेकिन अगर नबी की बात पूछी जाए, नबी की तारीफ पूछी जाए, बुजुर्गाने दीन की तारीफ पूछी जाए, बुजुर्गाने की उस्वाए हसना को पूछा जाए, तो हम और आप हक्का बक्का रह जाते हैं। आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है, हमने नबी की तारीफों को भुला दिया है, हमने जो है नबी के नक्शे कदम पर नबी की जो है नक्शे कदम पर जो है चलना बंद कर दिया है, इसीलिए हमारे कदमों को जो है कमजोरी पकड़ लिया है, हमें जो है जलीलो रुस्वा किया जा रहा है, लोग हमें जो है गलत नजरों से देख रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत उमर फारूक आजम इस्लाम को कबूल कर लेते, इस्लाम का झंडा लहराना शुरू कर देते हैं, इस्लाम का दावत देना शुरू कर देते हैं, इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर देते हैं। जब आप मोमिन हो जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, मोमिले कामिल हो जाते हैं, तो आपका जो बेटा था, आपका जो लड़का था, अब्दुल रहमान नाम था, वो इस्लाम को कबूल नहीं करता है, इस्लाम का झंडा नहीं लहराता है। इत्तेफाक से मौका आता है कि जंग हो जाती है कुफारों मुशरिकीन के जानिब, और मेरे नबी से मुकाबला होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को इरशाद फरमाया कि आज जाओ, फला मकाम पर जंग होगा, फला मकाम पर लड़ाई होगी। मेरे नबी ने अपने प्यारे शहीदे सहाबा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दिया। जब आप जंग में पहुंचते हैं, जंग के मैदान में लड़ाई शुरू हो जाती है, और बेटे की तलवार बाप के गर्दन पर पहुंच जाती है, बाप के गर्दन पर पहुंचती है, बेटा देखता है मेरे तलवार के जिद में दुनिया का कोई और इंसान नहीं बल्कि मेरा बाप, मेरे तलवार के जिद में दुनियादार और कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं, कोई दुनियादार नहीं, ये तो मेरा बाप है। आंखों से आंसू निकला और बाप समझकर तलवार को वापस ले लिया। जब आपने तलवार को वापस लिया, कुछ दिन का अरसा गुजरा, गुजरने के बाद अब्दुल रहमान भी जो है कलमे शहादत को पढ़ लेते हैं, इस्लाम जो है कबूल कर लेते हैं, कामिले मोमिन बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, सच्चा पक्का नबी के जो है सिपह सालार बन जाते हैं। एक दिन का ये होता है मामला कि बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो जाती है, बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू चलना शुरू हो जाती है, बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू चलते 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 वही मकाम पर पहुंचती है जिस मकाम पर अब्दुल रहमान की तलवार उठी थी, बाप के गर्दन पर पहुंच गई थी, लेकिन अब्दुल रहमान ने बाप को बाप समझकर छोड़ दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अब्दुल रहमान, तुम्हारी तलवार उठी थी, मेरी गर्दन पर पहुंच गई थी, लेकिन तुमने मुझे बाप समझकर छोड़ दिया, अगर मेरी तलवार उठ जाती तो मैं तुझे औलाद समझकर नहीं छोड़ता, अपना बेटा समझकर नहीं छोड़ता, बल्कि गुस्ताखे रसूल समझकर तेरी गर्दन।
तन को उड़ा दे। आज हमारे और आपके अंदर, हमारे और आपके माशरे में क्या है, अगर हजरत फरमा दे कि भाई देखो ऐसा है, बुरे चीज बुराई चीज ना करो, बुरी चीज ना करो, बुराइयों से बचो, नमाज पढ़ो, ये जिंदगी, ये घर, ये मकान, ये झोपड़ी, ये बंगला, ये गाड़ी, ये ऐशो आराम, ये चंद दिन की, चंद दिन का है। हम और आप मुसाफिर हैं, अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया, तो इस धरती पर जन्म लिए हम और आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आप पर कितना मेहरबान है, अगर हम और आप किसी के यहाँ नौकरी करने चले जाएं, किसी के यहाँ नौकरी ज्वाइंट करने और उसके यहाँ काम कर काम ना करे, तो वो इंसान एक टाइम का खाना खिला देगा। कितने टाइम का? एक टाइम का। जरा तुम भी बोलो कितने टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का खाना खिलाएगा और देखेगा, देखेगा कि देखो फिर ये काम करता है कि नहीं करता। दोपहर का आएगा तो नाश्ता भेज देगा कि चलो घर बार को छोड़कर आया है, अहलो आयाल को छोड़कर आया है, हो सकता है एक दिन के बाद ये काम करना शुरू कर दे, नाश्ता भिजवा देगा, फिर शाम होगा फिर खाना भिजवा देगा, लेकिन जब दूसरा दिन शुरू हो जाएगा तो वो खाना नहीं खिलाएगा बल्कि कान पकड़कर घर से बाहर कर देगा, घर से बाहर कर देगा कि चलो हम तुमको बैठ कर खाना नहीं खिलाएंगे, तुम मेरे यहाँ आए हो नौकरी करने के लिए। लेकिन रब हमारे और आपके ऊपर इतना बड़ा मेहरबान है कि हम और आप रब की नाशुकरी करते हैं, फिर भी वो तीन टाइम का खाना खिलाता है और अपने बंगले में आराम करते हैं, रब का शुक्र नहीं अदा करता। मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, हमें और आपको एक छोटे से बच्चे से सबक हासिल करना चाहिए। हमारे और आपके घर में भी बच्चे हैं, और जब बच्चे, एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, घर में खेल रहा है, शाम का टाइम है, शाम का टाइम है, जब उसकी माँ खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करती है, मोटी मोटी लकड़ियां का, लकड़ियों को जमा करती है, मोटी मोटी लकड़ियां लाती है, चूल्हे के बाजू में रख देती है, रखने के बाद माँ बर्तन को साफ करके जो है चूल्हे के करीब होती है और उस मोटी लकड़ियां को चूल्हे में रखकर माचिस को जलाती है, लेकिन मोटी लकड़ियां पकड़ने के लिए नाम नहीं ले रही है, मोटी मोटी लकड़ियां पकड़ नहीं रही है, वो बच्चा तमाशा देख रहा है, वो बच्चा माजरा देख रहा है, आखिर मामला क्या है, मतलब क्या है कि मेरी माँ इतनी हैरानो परेशानी के आलम में ये लकड़ियां को जला रही है लेकिन ये पकड़ क्यों नहीं, लकड़ी पकड़ क्यों नहीं रही है, मामला क्या है, मतलब क्या है। जैसे उसकी माँ ने उन लकड़ियों को बार बार जला रही है और लकड़ी जल नहीं रही है, जलने का नामो निशान नहीं ले रही है, उसकी माँ मोटी लकड़ियों को चूल्हे से बाहर निकालती है, पतली पतली लकड़ियों को जो है चूल्हे के अंदर कर देती है, उसके बाद चंद तीली लगाती है, फौरन वो लकड़ियां जलना शुरू हो जाती है, फौरन जो है चूल्हे में आग हो जाता है, वो लड़का वो माजरे को देखकर घर छोड़ देता है, अपने कुर्बो जवार
को छोड़ देता है, अपने शहर को छोड़ देता है, अपने वतन को छोड़ देता है, जंगल की तरफ चला जाता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है कि ऐ रब्बे कदीर, ये दुनिया का आलम है कि मेरी माँ जब मोटी लकड़ियाँ को जमा करके चूल्हे में आग नहीं जला सकती है तो क्या जहन्नम में नमरूद, सद्दात, फिरौन, कारून जैसे रब्बे कदीर जहन्नम में डालेगा और उनमें जब आग भड़काया जाएगा तो आग सर्द पर जाएगी तो हम जैसे छोटे छोटे गुनहगारों को जन्नत जहन्नम में डालेगी, जब जहन्नम भड़क जाएगा तो ये बड़े बड़े गुनहगारों को जहन्नम में रब्बे कदीर फेंक देगी। मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपने सुना होगा कि अल्लाह हमारे और आपके ऊपर कितना मेहरबान, कितना रहमान है, कितना रहीम है कि हम और आप रब की नाशुकरी करते हैं। आपने सुना होगा एक मकाम पर मेरे आका अलैहि सलातो सलाम, मकाम सहबा है, जंगे खैबर का मौका है, जब जंगे खैबर के किले को फतेह कर लेते हैं, वापस आते हैं किसी काम के लिए मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार को कहीं भेज देते हैं। मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद जब वहां से जाते हैं, जाने के बाद थोड़ी ही टाइम में असर का वक्त आ जाता है, नमाज असर का टाइम शुरू हो जाता है और मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार वापस आते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, अब मैं थक गया हूँ, दिल करता है थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद चलूँ। मेरे आका ने क्या फरमाया, ऐ अली, थोड़ी देर आराम कर लूँ उसके बाद चलूँ। मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, यहाँ बिस्तर का इंतजाम नहीं, यहाँ बिस्तर मुहैया नहीं, हाँ लेकिन मैं बैठ जाता हूँ या रसूल अल्लाह, मेरी झोली में आप अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमा लीजिए। मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार ने जब ये अर्ज किया तो मेरे नबी अलैहि सलातो तस्लीम मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार के झोली में अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमा रहे हैं। नींद का गलबा है, नींद लग गई, मेरे नबी अलैहि सलातो तस्लीम उसी झोली में सो गए। किसमें? झोली में सो गए। जब झोली में आप सो गए तो नमाज असर का टाइम तो था ही, झोली में मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। जब आप आराम फरमा रहे हैं, नमाज़े आसर का सूरज और टाइम, सूरज जो है गुरूब होने का, गुरूब होने के करीब है, टाइम निकल रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। मेरे भाई अगर कुछ आपको आपका तवज्जो हो तो मैं सुनाऊं वरना मैं अपनी जगह ले लूं। मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार तशरीफ फरमा है, मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम झोली में आराम फरमा रहे हैं, नमाज़े आसर का टाइम गुजर रहा है। मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार ने जब सूरज पर देखा तो क्या देखा कि सूरज गुरूब होने का टाइम है, सूरज गुरूब हो रहा है। जब आपके आंखों ने सूरज गुरूब होते हुए देखा तो आंखों से आंसू निकल आया। आज हम और आप कितनी नमाजें कजा हो रही हैं तो कजा हो जाए, लेकिन जरा से भी सोचते नहीं हैं, ख्याल नहीं करते, दिल में तसव्वुर तक नहीं करते, लेकिन कुर्बान जाओ मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार पर कि सूरज गुरूब हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहा है, चेहरा तर हो गया है और उसी आंखों से मोती बन गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुस्तफा पर पड़ा, नबी पाक जो है नींद से बेदार हो गए। जब आप नींद से बेदार हो गए तो आपने इरशाद फरमाया कि ऐ मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार, ये बताओ आखिर रोने का मामला क्या है।
रोने का सबब क्या है, आपको रुलाया किसने है, आप रो क्यों रहे हैं? नारे रिसालत शौराए अहले सुन्नत हजरत कारी सनाउर रहमान साहब किबला, अनवर सुनपुरी साहब किबला, हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह। भाई ये बात बताकर मैं के अली ये बताओ कि आखिर रो क्यों रहे हो? मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सूरज गुरूब हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया कि ए अली ये बताओ नमाज असर कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? मेरे नबी ने फरमाया ए अली ये बताओ नमाज असर कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हूँ, तमाम वलियों का जो है शहंशाह हूँ, अगर मैंने नमाज असर कज़ा पढ़ ली तो आने वाली आपके उम्मत कहने का हकदार हो जाएगी कि जब मौला अली शेरे खुदा हैदर कर्रार ने नमाज असर को कज़ा पढ़ ली है तो हमको हमको अदा करने में क्या दिक्कत है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या है, अली उठो और नमाज असर की तैयारी करो। मौला अली शेरे खुदा हैदर कर्रार उठे और नमाज असर की तैयारी की। नमाज असर की आपने तैयारी कर ली, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली जल्दी जल्दी नमाज मत पढ़ना, उस वक्त तक ये सूरज गुरूब नहीं हो जाएगा जब तक कि जो है इस सूरज को इसके जगह पर भेज नहीं। मेरे नबी ने उंगली का इशारा फरमाया डूबे हुए सूरज के जाने, सूरज पलट कर अपने असल मकाम पर पहुंच जाता है। तभी तो मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। फूल चुनी शाद रहे बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। मौला अगर मेरे बोलने में या जो है किसी किस्म की लफ्जन शहवन कसदन गलतियां हुई होंगी, मौला हम इन लोगों को गवाह बनाते हैं। मौला तो हमारी गलतियों को माफ फरमा कर फूल चुनी शाद रहे बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।